नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत के चुनाव आयोग ने शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट को भी चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया है। आयोग ने शिंदे गुट को ढाल के साथ दो तलवार नया चुनाव चिन्ह दिया है। इसी सिंबल के साथ शिंदे गुट आगामी अंधेरी ईस्ट विधानसभा उपचुनाव में मैदान में उतरेंगे। बता दें, इससे एक दिन पहले आयोग ने शिंदे गुट को नया नाम दिया था। शिंदे गुट का नया नाम बाला साहेब जी शिवसेना मिला है। इसके अलावा कल ही उद्धव ठाकरे गुट को नया नाम और नया चुनाव चिन्ह दिया गया था। ठाकरे गुट का चुनाव चिन्ह मशाल है और नया नाम शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे है। पंजाब के किसानों ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के संगरूर स्थित घर से कुछ ही दूर पर खूंटा गाड़ दिया है। बड़ी संख्या में किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। ये धरना कुछ उसी तरह का है जिस तरह पंजाब के किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर एक साल तक धरना दिया था। धरने पर बैठे किसानों की पंजाब और केंद्र सरकार से अलग अलग मांग है। पंजाब सरकार से उनकी मांग है कि वो फसलों को हुए नुकसान का आकलन करवाए और नुकसान की मुआवजा राशि उन्हें जल्द से जल्द दे। जीरा इलाके के नज़दीक खुली शराब फैक्ट्री को बंद करवाए और लुधियाना और अन्य ज़िलों में प्रदूषण फैला रहे उद्योगों पर कार्रवाई करें। बता दें, भगवंत मान के घर से थोड़ी दूर पर बैठे किसानों ने खाने पीने रहने के तमाम ज़रूरी इंतजाम किए हुए हैं। वो अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली में गैस के सिलेंडर, पीने का पानी, खाना बनाने का सामान, कपड़े और दूसरी ज़रूरी चीज़ें लेकर आए हैं। किसानों ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो 6 महीने का राशन पानी लेकर आए हैं। किसानों का ये धरना भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रहा के नेतृत्व में चल रहा है। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रहा दिल्ली के बॉर्डर पर चले किसान आंदोलन में भी शामिल था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर से कुछ दूर पर धरने पर बैठे किसानों में से एक किसान ने द ट्रिब्यून को बताया कि बड़े बड़े दावे किए जाने के बावजूद पंजाब सरकार उनकी मांगों को पूरा करने में फेल रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार कहती है कि उसके पास पैसे की कमी है, तो वो मीडिया में अपनी सरकार के कामकाज का विज्ञापन देने में करोड़ों रुपए क्यों खर्च कर रही है। उन्होंने द ट्रिब्यून को बताया कि उनकी तरह ही अन्य साथी किसान भी लंबी लड़ाई के लिए यहां आकर बैठ गए हैं। सुखमीत सिंह नाम के नौजवान ने अखबार से कहा कि आने वाले दिनों में पंजाब के कोने कोने से किसान इस धरने में पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि इस धरने को फेसबुक पर लाइव भी किया जा रहा है। किसानों ने संगरूर से लेकर पटियाला बठिंडा हाईवे तक के 3 किलोमीटर के इलाके में अपना डेरा डाल दिया है। किसानों ने कहा है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता है, तब तक वो धरने से नहीं हटेंगे। किसानों के धरने को देखते हुए धरना स्थल पर पुलिस के जवान भी बड़ी संख्या में तैनात हैं। दिग्गज समाजवादी नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव सैफई में किया गया। इस दौरान मुलायम सिंह के समर्थकों ने जिसका जलवा कायम है, उसका नाम मुलायम है और धरती पुत्र मुलायम सिंह अमर रहें के नारे लगाए। मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की उम्र में सोमवार को निधन हुआ। वो कई दिनों तक गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती रहे थे। समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में लाखों लोगों का हुजूम उमड़ा। इस दौरान परिवार के अलावा देश की विभिन्न पार्टियों के नेता वहां पर पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे, भूपेश बघेल, कमलनाथ, योगी आदित्यनाथ, प्रफुल्ल पटेल, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी, सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान, योग गुरु बाबा रामदेव, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, सांसद सुप्रिया सुले, वरुण गांधी, राकेश टिकैत, जयंत चौधरी समेत तमाम लोग वहां पर पहुंचे। कोई पहले पहुंचा या कोई बाद में, इसके अलावा लगभग सभी नेताओं ने उनको याद किया और श्रद्धांजलि दी। जांच एजेंसी ईडी ने मंगलवार सुबह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी अफसरों, कांग्रेस नेताओं और व्यवसायियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। ये छापेमारी आय से अधिक संपत्ति की जांच के मामले में की गई। इस दौरान रायपुर, रायगढ़, महासमुंद, कोरबा और अन्य जिलों में कई ठिकानों को खंगाला गया। ईडी ने मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात उप सचिव सौम्या चौरसिया के दुर्ग जिले के आवास, सीए विजय मालू के देवेंद्र नगर, रायगढ़ की जिलाधिकारी रानू साहू के आवास के साथ ही महासमुंद और रायपुर में छापेमारी की है। महासमुंद जिले में कई राजनेताओं और व्यवसायियों के ठिकानों पर जांच एजेंसी की टीम पहुंची। पूर्व विधायक लक्ष्मीकांत तिवारी, व्यवसायी सूर्यकांत तिवारी, रियल एस्टेट व्यवसायी सनी लुनिया भी जांच एजेंसी के रडार पर हैं।
दिल्ली के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम आज दिल्ली की पुलिस के सामने पेश हुए। वो बौद्ध धर्म के आयोजन में हिंदू देवी देवताओं को ना मानने वाली शपथ लेने के बाद से ही विवादों में हैं। हालांकि उन्होंने वही शपथ ली थी जो बीआर अंबेडकर ने ली थी, वो उसी शपथ को दोहरा रहे थे। लेकिन बीजेपी ने केजरीवाल को इस कार्यक्रम के बाद हिंदू विरोधी बताया तो गौतम को इस्तीफा देना पड़ा और केजरीवाल ने एक कदम आगे जाते हुए जय श्री राम का नारा गुजरात में लगाया। बता दें, दिल्ली पुलिस ने पूर्व मंत्री गौतम को आज 2 बजे पेश होने के लिए कहा था। पुलिस द्वारा समन नोटिस जारी किए जाने के कुछ ही घंटे बाद वो पूछताछ के लिए पेश हो गए। डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस श्वेता चौहान ने समाचार एजेंसी एनआई से कहा कि राजेंद्र पाल गौतम को अंबेडकर भवन में हुई एक घटना के संबंध में जांच के लिए बुलाया गया और जिसके लिए एक शिकायत मिली थी। ये एक सामान्य जाँच है, देखते हैं कि इससे क्या निकलता है। ज्ञानवापी मस्जिद में कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को लेकर वाराणसी की अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अब इसको 14 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। बता दें, 4 महिला याचिकाकर्ताओं ने बनारस के जिला जज की अदालत में सील किए गए वजूखाने की कार्बन डेटिंग कराने की मांग की थी। उनका कहना था कि इस जाँच के बाद ये साफ हो जाएगा कि यह फव्वारा है या शिवलिंग। बता दें, मस्जिद की ओर से ये दावा किया जा रहा है ये फव्वारा है, जबकि हिंदू पक्ष शिवलिंग होने का दावा कर रहा है। मालूम हो कि मई महीने में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे हुआ था, जब शिवलिंग या फव्वारा पर विवाद शुरू हो गया। सीजीआई यूयू ललित के बाद वरिष्ठता में वही ऊपर थे जिसके बाद उनका नाम देश के 50वें चीफ जस्टिस के तौर पर भेजा गया है। बता दें, चीफ जस्टिस यूयू ललित 8 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। इसी साल 27 अगस्त को वो देश के चीफ जस्टिस बने थे। वहीं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर होंगे। वो इसी साल 9 नवंबर से चीफ जस्टिस का कार्यभार संभाल लेंगे। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के पिता वाईबी चंद्रचूड़ देश के 16वें चीफ जस्टिस थे। जांच एजेंसी ईडी ने कथित शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में टीएमसी के विधायक मणिक भट्टाचार्य को मंगलवार सुबह गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले ईडी ने विधायक से रात भर पूछताछ की थी। मणिक भट्टाचार्य तृणमूल के दूसरे ऐसे नेता हैं जिनकी शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में गिरफ्तारी हुई है। इस साल जुलाई महीने में जांच एजेंसी ईडी ने ममता सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे पार्थ चटर्जी को इस मामले में गिरफ्तार किया था। पार्थ चटर्जी के सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के 2 घरों से 50 करोड़ से ज़्यादा कैश बरामद किया गया था। इसके अलावा 5 किलो से ज़्यादा सोना और अहम दस्तावेज भी मिले थे। ईडी इस मामले में सरकारी सहायता से चलने वाले स्कूलों में शिक्षकों व नॉन टीचिंग स्टाफ कर्मचारियों की भर्ती में कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में ईद के मौके पर जुलूस में भड़काऊ नारे लगाने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईद के दौरान जुलूस अमरावती जिले के बरतवाड़ा इलाके में निकाला गया था। इस दौरान जुलूस में डीजे पर गुस्ताखे नबी की 1 सजा गाना बजाया गया था। इसके अलावा इसमें आपत्तिजनक नारे भी लगाए गए थे, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों पर केस दर्ज किया और अब 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आए दिन अंधविश्वास के कारण जान लेने की खबरों में एक और खबर केरल से आई है। केरल में एक दंपति ने काला जादू के लिए कथित तौर पर मानव बलि दी, जिसके तहत 2 महिलाओं की हत्या कर दी। ऐसा उन्होंने अपनी आर्थिक तंगी दूर करने और समृद्धि यानी कि अमीर होने के लिए किया। पुलिस ने बताया है कि इस मामले में मंगलवार को एक दंपति सहित 3 लोगों को यहाँ से हिरासत में लिया गया। पुलिस ने बताया कि जिन महिलाओं की हत्या की गई है वो सड़क पर लॉटरी टिकट बेचकर अपनी आजीविका चलाती थी। पुलिस ने आरोपियों के हवाले से बताया कि महिलाओं का पहले गला रेता गया और फिर उनके शरीर के टुकड़े किए गए तथा उन्हें पथनमथिट्टा जिले के तिरुवल्ला में 2 अलग स्थानों पर दफना दिया गया। तीनों आरोपियों की पहचान भगवल सिंह, उसकी पत्नी लैला और मोहम्मद शफी उर्फ रशीद के रूप में की गई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने मंगलवार को कहा कि पूर्व क्रिकेटर रॉजर बिन्नी ने बोर्ड अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। इसके अलावा बीजेपी के आशीष शेलार ने कोषाध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने कहा कि इन दोनों के निर्विरोध चुने जाने की संभावना है। शुक्ला ने कहा कि मैंने उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया है, रॉजर बिन्नी ने अध्यक्ष के लिए नामांकन किया है, जय शाह ने सचिव के लिए और आशीष शेलार ने कोषाध्यक्ष के लिए नामांकन किया है। अभी तक स्थिति यह है कि सभी को निर्विरोध नियुक्त किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 16 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी बोर्ड के अध्यक्ष पद के लिए भारत के प्रतिनिधि का फैसला 18 अक्टूबर को बोर्ड की वार्षिक आम बैठक में होगा। बता दें, कहा जा रहा है कि मौजूदा बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली आईसीसी के लिए भारत की ओर से प्रतिनिधि हो सकते हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।